आज हम इंस्टाग्राम के एड ऑन रील्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने इस चीज़ को, और ये क्या है और क्या लॉन्च होने वाला है इंडिया में या नहीं होने वाला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वॉल्यूम तो मैं कम कर देता हूँ, यहाँ से लेकर चलता हूँ डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर, ठीक है। वॉल्यूम कम हमारे इसमें हो चुका है, लाइक्स व्यूज आपके इसमें बराबर आएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप रील्स चेक करते हो, ठीक है, रील्स के, हाँ वॉल्यूम तो कमी है, रील्स के बीच में कभी भी कोई ऐड आएंगे तो भाई उसी का पैसा मिलेगा, या उससे भी अलग कुछ रहेगा, उसके बीच में ऐड आ रही है, मतलब दो तरीके की रहती है। मतलब आप यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी तो मैं जस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस आपको बता देता हूँ, दो टाइप की एड्स आती है आपके रील्स में, और ये लॉन्च होने वाला है इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि फेसबुक के लिए तो ये आ चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट आए तो वो मैं पहले आपको शो कर देता हूँ, और गलत कमेंट्स मत करना भाई, पहले आप चेक कर लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ तो मैं स्क्रीनशॉट ही आपको दिखाऊंगा। अभी तो ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पर कब होने वाला है, क्योंकि एड ऑन रील्स बिल्कुल इंस्टाग्राम पर है। फेसबुक पर मैं पहले आपको शो कर देता हूँ, देखिए फेसबुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा जितना इंस्टाग्राम पे पैसा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा पैसा तो फेसबुक पर है। लोग छाप भी रहे पिक्चर डाल डाल के, फोटोज़ डाल के, सिर्फ मैंने ये तक देखा है लोग सिर्फ फोटोज़ डाल रहे हैं और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। फोटोज़ के भी पैसा है, बोनसेस तो आपने नाम सुना ही होगा, बोनसेस सिर्फ फोटोज़ का, टेक्स्ट का, लिंक का, वीडियोज़ का, इसका ही पैसा देता है, रील्स और स्टोरी का नहीं देता, ये आपको भी पता है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर मोनेटाइजेशन पर गया हूँ मैं, और यहाँ पर एड ऑन रील्स दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैं स्पीडली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फेसबुक के बारे में नहीं आपको बता रहा हूँ कि भाई फेसबुक में एड ऑन रील्स कैसे मिलेंगे, सेकंड चैनल पे उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ, किस तरीके से साउंड आ रहा है भाई, थोड़ा सा क्लियर भी तो हो जाना चाहिए हमें, है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जस्ट ओके, $41 इन्होंने अप्रॉक्सीमेट अर्निंग किए हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा, यू आर इन्वाइटेड टू यूज़ द लाइसेंस म्यूजिक विद द एड ऑन रील्स। एड ऑन रील्स में लाइसेंस म्यूजिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पर भी है लाइसेंस म्यूजिक, शो करूंगा यार भाई, प्रूफ के साथ ही मैं सब चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये अर्निंग कर रहे हैं, हर वीडियो से इनको अर्निंग हो रही है। कहीं आपको 0.10, 0.75, 0.21, 0.94, 0.69, 1.52, किसी में ज़्यादा अर्निंग हो रही है, किसी में कम अर्निंग हो रही है, पर एड ऑन रील्स से पैसा छाप रहे हैं लोग। अब मैं क्या करता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड ही है, ये पुराना तरीके का है, ओके। नीचे में आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्टेप अर्न मनी विद द एड ऑन रील्स, मतलब एड ऑन रील्स में बहुत पहले से जब भी आपके इसमें ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड इस तरीके से दिखाई देता तो आपके इसमें एड ऑन रील्स आने वाला था, ठीक है। तो अब तक नहीं आया, पर कुछ हमारे पास स्क्रीनशॉट लोगों ने हमें पहुँचा है, बोले सर ये सही है या नहीं है, पहले मैंने चेक किया कि ये फेसबुक का तो नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए भाई, ये फेसबुक का बिल्कुल भी नहीं है, ये इंस्टाग्राम का, और इंस्टाग्राम में ही एड ऑन रील्स आपको दिया जाएगा। जैसे कि इसके पहले मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, वी आर इन्वाइटेड टू अर्न मनी विद द एड ऑन रील्स, आपको इन्विटेशन आएंगे उनके तरफ से, एड ऑन रील्स से आप पैसा कमा सकते हो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करके, ठीक है। पर ये इंस्टाग्राम का ही है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया एड ऑन रील्स मोनेटाइज विद द एड ऑन रील्स। देखिए, एस एड्स कैन नाउ अपेयर ऑन योर रील्स, आपके रील्स पर एड आएंगी एंड यू कैन अर्न मनी फ्रॉम द एलिजिबल रील्स प्ले, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। यू कैन चेंज दिस सेटिंग, आप ये सेटिंग बाद में भी जाकर आप चेंज कर सकते हैं। मोनेटाइज विद द एड ऑन रील्स, इसे मैंने ऑन किया हो, कंटिन्यू किया, ये बहुत सारे लोगों को दूसरे कंट्रीज में मिल चुका है, पर इंडिया में जस्ट अभी तक नहीं आया है, और ये आ भी सकता है, भाई थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा लग जाएगा। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना कि भाई हाँ, एड ऑन रील्स बिल्कुल इंस्टाग्राम पर भी है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए, ये आपको एड ऑन रील्स अर्निंग दिखाई दे रही है। अब आप बोलेंगे हाँ, ये तो बिल्कुल यार इंस्टाग्राम के ही जैसा लुकआउट दिखाई दे रहा है। हाँ, लास्ट 30 डेज आज 3-4 मई होंगा, मैं 2 से 31 मई के बीच में दिखाई दे रहा है अप्रॉक्सीमेट अर्निंग कितना हुआ, टॉप रील्स कितनी है और कितनी क्या डॉलर इसमें अर्निंग हो रही है। जैसे कि उसमें अलग टाइप से दिखाई दे रहा था, हर वीडियोस में आपके इसमें डॉलर दिखाई दे रहा था, वैसे सेम इंस्टाग्राम पर भी आपको डॉलर शो होने लग जाएंगे। इसका मतलब है भाई, इससे आप अर्निंग भी कर सकते हो एड ऑन रील्स में। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करके स्लाइड दिखाता हूँ, अप्रॉक्सीमेट अर्निंग जो दिखा रहे हैं इसमें $1000 अप्रॉक्सीमेट अर्निंग, मतलब 80-82 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं, एड ऑन रील्स भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई हाँ, एड ऑन रील्स बिल्कुल ये सही है, और ये मैंने स्क्रीनशॉट चेक किया, सब कुछ मैंने सर्च किया है उसके बारे में, पूरे इन्फॉर्मेशन मैंने जो भी निकाला है बिल्कुल ये सही है। एड ऑन रील्स बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपके इसमें शो होने लग जाएगा, और ये डेट नहीं है, पर इंस्टाग्राम पर एड ऑन रील्स आएगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इंस्टाग्राम के हेल्थ सेंटर पर भी गया हूँ, हेल्थ सेंटर में मुझे पता चल रहा है कि भाई ये है या नहीं। मोनेटाइजेशन एड्स इन प्रोफाइल फीड्स एंड एड्स रील्स आर करंटली बीन टेस्टेड, टेस्टिंग पीरियड पर है एंड ओनली अवेलेबल टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ अकाउंट एट दिस टाइम, कुछ कुछ अकाउंट्स के लिए अवेलेबल है। इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एड ऑन इंस्टाग्राम रील्स
गिव्स एलिजिबल क्रिएटर ए वे टू अर्न मनी। एलिजिबल क्रिएटर को दे रहे हैं, जो भी क्रिएटर एलिजिबल है जिन्हें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से वो अर्निंग कर सके, उन्हीं को ये दे रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम विल प्लेस एड ऑन द एड फॉर क्रिएटर ऑप्टिमाइजेशन फॉर द व्यूअर्स एक्सपीरियंस। एड शो एट द बॉटम ऑफ द रील्स कंटेन इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल स्टैटिक बैनर। एक नीचे में आपको ऐड दिखाई देंगे, जैसे कि वीडियोज जो भी चल रहा है नीचे में ऐड आ रही है, वो बताएंगे 5 सेकंड के बाद आपकी इसमें ऐड आने वाली है। दूसरा तरीका है, ठीक है, पोस्ट लूप एड्स, ओवरले एड्स, ये दो तरीके के एड्स रहते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। पर हाँ, कहीं कहीं ये नहीं भी मिल सकता है। क्या गलती करोगे जिसके कारण आपको ये नहीं मिलेगा? गलती नहीं करना है, क्योंकि एलिजिबल नहीं होंगे ना आपकी रील्स एलिजिबल हो पाएंगी। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सम रील्स आर नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज विद द एड ऑन रील्स, से कुछ रील्स एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आप अगर ये गलती करते हो तो भाई आपको आगे चल के बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये रील्स इंक्लूड लाइसेंस म्यूजिक, जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया फेसबुक पर लाइसेंस म्यूजिक का अगर इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर तो अर्निंग बहुत ज़्यादा होंगे, पर अगर आप लाइसेंस म्यूजिक का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा, अगर आप ब्रांडेड कंटेंट का इस्तेमाल करते हो तो नहीं। अब देखिए, मैंने ब्रांडेड कंटेंट पे क्लिक किया हो तो यहाँ पर ब्रांडेड कंटेंट के बारे में भी आया, क्योंकि ब्रांडेड कंटेंट में आप दूसरे तरीके से भी लोगों से अर्निंग करते हैं। अर्निंग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो, ठीक है, यहाँ से मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर गया हो। यहाँ पर मैंने पिछले बार भी आपको कहा है, क्योंकि ब्रांडेड कंटेंट से भी आप पैसा कमाएंगे, उसके बाद रील से भी कमाएंगे, तो नहीं हो पाएंगा ना। ये ब्रांडेड कंटेंट में आपको डिस्कवर प्रोजेक्ट पूरे लिस्ट दिखाई दे रही है, पैसा दे रहे हैं ना आपको रील्स बनाने का, तो भाई इससे भी उससे भी अर्निंग दोनों तरीके से नहीं हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, योर रील्स इज इन ए लैंग्वेज डेयर द बोनस प्रोग्राम डज नॉट सपोर्ट। ऐसी लैंग्वेज में आपने बनाया है वीडियो जो बोनस प्रोग्राम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भाई आपको नहीं मिल पाएंगे। रील्स इज बूस्टेड, अगर आपने बूस्ट किया है व्यूज़ ज़्यादा के चक्कर में, ताकि ज़्यादा व्यूज़ में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। योर रील्स इज शेयर्ड इन द कोलैबोरेशन विद द अनदर क्रिएटर। आपने क्या किया, कुछ ऐसा क्रिएटर को पकड़े जिसको मिला नहीं है ये, ठीक है, एडोनेशन नहीं मिला, पर आपको मिला है, आपके फॉलोअर्स 10,000 है, उसके 1,00,000 है, आप 1,00,000 के व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, तो आपने उसके साथ कोलैबोरेशन करें कि भाई तेरे भी जितने भी ट्रैफिक है, व्यूज़ है, मुझे मिल जाएंगे कोलैबोरेशन में, और मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऐसे गलती करोगे तो भी आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। योर रील्स रिसीव एंगेजमेंट डेट अपीयर इन ऑथेंटिक, इसके ऊपर का, योर रील्स इज वाटरमार्क विद द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म नेम मार्क, या नेम है या लोगो है, जैसे कि मान के चलिए कोई अदर टिकी ऐप जो पहले चलता था, मोज चलता था, या आप यूट्यूब का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई अगर ऐसे करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप योर रील्स रिसीव एंगेजमेंट, आपको एक एंगेजमेंट मिल रही है जो इनऑथेंटिक लग रही है, एकदम से आपकी रीच बढ़ गई है, व्यूज़ बढ़ गए, पहले नहीं आते थे, फ्रॉडुलेंट व्यूज़ और आर्टिफिशियली बूस्टेड व्यूज़, कोई थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद से आप बूस्ट कर रहे हो, तो आपको नहीं मिल पाएगा। योर रील्स इज परमानेंटली डिलीटेड, अगर डिलीट हो गई है तो भी प्रॉब्लम है। यू मे नॉट गेट द क्रेडिट फॉर द प्लेस डेट रील रिसीव इफ़ यू डिलीट योर रील्स, अगर आप रील्स डिलीट करते हो तो भाई उसका भी पैसा आपके पास नहीं आएगा। योर रील्स इज नॉट एडवर्टाइजर फ्रेंडली, एडवर्टाइजर फ्रेंडली मतलब भाई कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं, भाई ये देखिए आप मान के चलिए मैगी का आपने कर लिया, पार्ले जी बिस्किट का ही कर ले, या ड्रीम इलेवन का ही कर रहे हैं आप एडवर्टाइज, वहाँ से तो पैसा मिल गया, आप चाह रहे कि भी इधर से भी पैसा मिल जाए, तो भाई ऐसे रील्स ऑथेंटिक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाकर ट्रैक चेक कर सकते हैं अपने एड और रील्स किस तरीके से क्या है, या हेल्प सेंटर में जाकर इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। तो मुझे बताना कि भाई इंडिया में एड और रील्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और ये देख के क्या लगता है कि भाई ये सच में इंस्टाग्राम पैसा देगा, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होते फ्रेंड, सब्सक्राइब माई चैनल एज ऑफ इंजीनियर एस एफ डिस्मॉप के लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।